और ये एक तरफ दूध उबल रहा है, और ये बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन जला रहे हैं। और तू कितने टहदा फिर रहे हैं, अभी घर वाले सोए हुए हैं। हाल देखे क्या हुआ, बेचारा बाहर से जल गया। और ये हमारे माल्टे अभी तक पड़े हुए हैं। रात को बेटी ने ये ब्राउनी बनाई थी, ये देखिए इसी में पड़े पड़े काट काट के खाते रहे। अब बैंगन ये ठंडा हो गया, अच्छी तरह ठंडा करने के बाद फिर मैंने कहा छिलके उतार दूँ, गरम गरम इनको हाथ नहीं लगाना, हाथ बहुत जल जाते हैं इस तरह आपने। बस फिर इसको ना काट लेना छुरी के साथ, बारीक बारीक चॉप करना है अच्छी तरह। देखिए अच्छी तरह बिल्कुल नरम हो गया, अंदर तक गल गया सही। बैंगन को अच्छी तरह नाइफ से मैश कर लेना है, और सब्ज़ मिर्च भी इसको बारीक बारीक काट के अच्छी तरह मैश कर लेना है। फिर इसमें डालूंगी टमाटर, उसको भी अच्छी तरह मैश करूंगी, और फिर नमक, काली मिर्चें, हर चीज़ को अच्छी तरह मैश करके बारीक कर लेना है अच्छी तरह। तो इससे ये बन जाएगा बैंगन का रायता, जो बहुत टेस्टी बनता है। और फिर मैं पुलाव बना रही हूँ, उसके ऊपर डाल के इस रायते को खाऊंगी। अब देखें ये आलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं दही फेंटूंगी, नमक डाल दिया, काली मिर्च डाली, बहुत टेस्टी बनता है। इसमें पुदीना और टमाटर डालें ना तो फिर हज़म भी हो जाता है, ये बैंगन का भरता या रायता जो भी कह लें आप इसको। ये देखें अच्छी तरह बारीक हो गया, ये फाइन चॉप करना है बिल्कुल। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, थैंक यू। तो मैंने दही ले लिया, उसको अच्छी तरह फेंटना है एक बाउल में डाल के। फेंटने के बाद फिर उसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, ये मैंने दूध डाल दिया जनाब। और दूध डालने के बाद फिर इसको मिक्स करना है दूध को। नमक काली मिर्च मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि दूध में मैंने बैंगन चॉप किया जब तो उसमें डाल दिया था मैंने। तो अब ये देखें इस दही में मैंने ऐड किया बैंगन का चॉप किया हुआ, और फिर इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो फिर आप देखिएगा ये इसकी लुक भी कितनी अच्छी आती है, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। तो आप भी इस तरह ट्राई करें, और पुलाव पे डाल के खाएं, बिरयानी पे डाल के खाएं, जैसा आप चाहें। ये देखें कितनी प्यारी लुक आ गई है इसकी। ये हो गया जी हमारा पुलाव तैयार, और इस पे डाला हमने ये रायता जो अभी बनाया है आपके सामने। तो इसको अभी हम करते हैं ट्राई कि ये कैसा बना। बहुत मज़ेदार, वेरी नाइस, टेस्टी। और ये जी आइसक्रीम, इस्लामाबाद गए बर्गर पैटीज लेने के लिए, तो फिर हमने खाई आइसक्रीम सर्दी में, बहुत अच्छा एंजॉय किया, मज़ा आया। और बर्गर पैटीज लेना थी इसलिए कि घर आके फिर डिनर करना था, बर्गर बनाने थे आज, तो फ्रीज़र खोला तो पैटीज ख़त्म थे, फिर इसलिए हम गए और पैटीज ख़रीदी, और फिर घर आना था, घर आए। मैं पैटीज और नगेट्स इसी ब्रांड के यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाकी सब उसमें ना सागुदाना डालते हैं सॉफ्ट का। 1040 तो ये ब्रांड वाइड है जो सागुदाना नहीं डालता सॉफ्ट करने के लिए।